गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को शनिवार 30 मार्च को सुपुर्द खाक कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की गुरुवार 28 मार्च को मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसकी मौत दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक से हुई, जबकि परिवार वालों का आरोप है कि उसे धीमा जहर देकर हत्या कर दिया गया है। इसको लेकर भाई ने 10 बड़ी बातें कही है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको एक एक कर गिनवाते हैं। पहला, शुक्रवार 29 मार्च को पोस्टमार्टम करने वाले 5 डॉक्टरों के पैनल को दिल में पीले रंग का एरिया मिला, जो संभावित थक्के की ओर इशारा करता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि मुख्तार अंसारी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। हिंदुस्तान टाइम्स के सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया गया कि मुख्तार अंसारी के दिल में खून के थक्के जमने के साफ संकेत मिले हैं। 1.9x1.5 का एरिया पीला पड़ा हुआ था। दूसरा, वहीं जेल के दस्तावेजों के मुताबिक मुख्तार अंसारी दिल की बीमारी और अन्य बीमारियों से पीड़ित था। वह डिप्रेशन, स्किन एलर्जी और डायबिटीज से भी जूझ रहा था। तीसरा, हत्या समेत कई मामलों में दोषी करार दिया गया मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद था। गुरुवार को वो हाई सिक्योरिटी वाली सेल में बेहोश पाया गया, जिसके बाद उसे रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। चौथा, 21 मार्च को अंसारी के वकील ने बाराबंकी कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी कि 19 मार्च को उन्हें जहर दिया गया था। पांचवा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के नतीजों के बावजूद उसके परिवार का कहना है कि उसकी हत्या की गई है। मुख्तार के भाई अफजल अंसारी ने शनिवार यानी 30 मार्च को कहा कि उनके भाई की हत्या कर दी गई है। छठा, उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी की हत्या कर उन्हें रास्ते से हटा दिया गया है। समय आने पर हम इस बात का पुख्ता सबूत देंगे और उन्हें जहर देकर मारा गया है। कुछ अपराधियों के बचाने के लिए पूरी सरकार और उसके तंत्र ने बहुत बड़ी साजिश की है, उन्हें कोई शर्म नहीं है। सातवें नंबर पे अफजल अंसारी ने दावा किया है कि मुख्तार अंसारी ने उनसे 5 मिनट की मुलाकात के दौरान कहा था कि उन्हें जहर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमें सुबह 3 बजे सूचना मिली कि मुख्तार अंसारी की हालत गंभीर है। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो हमें बड़ी मुश्किल से सिर्फ 5 मिनट के लिए मिलने दिया गया। 5 मिनट की मुलाकात के दौरान मुख्तार अंसारी ने कहा कि उन्हें जहर दिया गया है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए हैं। उन्होंने कहा था कि बहुत दर्द हो रहा है, वह बेहोश हो गए थे और उन्हें उसी हालत में अस्पताल में ले जाया गया। आठवां ये कि अस्पताल में आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार मुख्तार अंसारी को गुरुवार रात करीब 8:25 अस्पताल लाया गया। मरने से पहले 9 डॉक्टरों की एक टीम ने उसका इलाज किया। नौवां, मुख्तार अंसारी के मजिस्ट्रेट जांच की 3 सदस्यीय टीम करेगी। बांदा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने न्यायिक जांच के संबंध में आदेश जारी किए। दसवां ये कि पिछले साल बीजेपी विधायक कृष्ण नंदन राय की हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराया गया और 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। 1990 में हथियार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेजों के उपयोग में संबंधित एक मामले में उन्हें 13 मार्च 2024 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। तो कुछ इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया है कि किस तरह से मुख्तार अंसारी के भाई इल्जाम लगा रहे हैं और क्या कुछ और किस तरह से उनकी मौत हुई। इस तरह की तमाम जानकारियों से रूबरू होने के लिए पंजाब केसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।